Hello and welcome to another episode of Thoughtful Leaders by College Dunya. And today we have Mrs. Manju Mehta, who is the Public Relations Officer at Bhopal School of Social Sciences. So welcome to College Dunya, ma'am. Thank you so much, Nishtha. Ma'am, our viewers would like to get a brief introduction about you and about BSS College Bhopal. Sure, Nishtha. I'm Manju Mehta, Assistant Professor and Public Relations Officer, the Bhopal School of Social Sciences. इससे पहले मैं सेंट जोसेफ्स कॉन्वेंट ईदगाह हिल्स में सीनियर क्लासेस लेती थी हिंदी. आई वाज पीजीटी देयर और अब मैं हूँ द भोपाल स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस में. साथ ही साथ एजुकेशन के फील्ड के अलावा मैं दूरदर्शन न्यूज से जुड़ी हुई हूँ और वहाँ भी मुझे अराउंड 30 साल हो गया है न्यूज पढ़ते हुए नेशनल चैनल पर. और अब बात रहती है कॉलेज के इंट्रोडक्शन की, तो द भोपाल स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज आज की तारीख में पहचान का मोहताज नहीं है. BSSS 1972 में स्थापित हमारा ऑटोनॉमस कॉलेज है जो NAC परीक्षण में ए ग्रेड प्राप्त है. यहाँ है खूबसूरत इंफ्रास्ट्रक्चर, तमाम बुनियादी सुविधाएं, सोशल लाइफ, सुरक्षित हॉस्टल, अनुशासन, संस्कृति और एजुकेशन के प्रति कमिटमेंट हमारे कॉलेज की पहचान है. 20 acres में फैला है हरा भरा कैंपस और यहाँ लगभग 5,000 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं. यहाँ है BBA, BCom, BSc, BCA, MA, MBA, MCom, तमाम कोर्सेज हैं और इन कोर्सेज में कई कॉम्बिनेशन भी हैं. और यहाँ 45 से ज्यादा सर्टिफिकेट कोर्सेज भी हैं जिन्हें पढ़कर यहाँ के विद्यार्थी अपनी पर्सनालिटी को कई क्षेत्रों में आगे बढ़ाते हैं. हमारे फाउंडर आर्च बिशप डॉक्टर यूजीन डिसूजा के विजन को पूरा करने के लिए कॉलेज में सिलेबस से आगे लाइव प्रोजेक्ट, स्टार्टअप कल्चर के साथ फ्रीडम विद रिस्पॉन्सिबिलिटी का वातावरण है. और आज की तारीख की बात की जाए तो हमारे चेयरमैन ऑफ द कॉलेज मोस्ट रेवरेंट आर्च बिशप डॉक्टर लियो कार्नेलियो हैं और जिनका हमेशा सोच रही ऊंचा लक्ष्य और स्वस्थ सोच हमारे अल्यूमिनाई हमारी स्ट्रेंथ है. नेशनल इंटरनेशनल कंपनीज में अच्छे प्लेसमेंट्स हमारी मजबूती है. गर्व की बात यह है कि BSSS ने शिक्षा के क्षेत्र में स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री के लिए विदेशों में भी कदम बढ़ा लिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमने अपनी पहचान बनाई है. BSSS गुणवत्ता से कभी समझौता नहीं करता. हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य हैं डॉक्टर फादर जॉन पीजे. उनके कुशल नेतृत्व में वैश्विक ट्रेंड्स को देखते हुए हर दिन कॉलेज नई उड़ान भर रहा है. हमारे स्टूडेंट्स में भारत के स्वच्छता अभियान से जुड़कर लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड और वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है. और अगर डॉक्टर फादर जॉन पीजे की बात की जाए तो उनका कुशल नेतृत्व के अलावा वो बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट हैं. आपने ग्रेगोरियन यूनिवर्सिटी से प्रशिक्षण प्राप्त किया है और BSSS को जीरो वेस्ट कैंपस बनाने, कॉलेज का नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड तक दर्ज कराने, शिक्षा जगत में प्राइवेट ऑटोनोमस कॉलेजेस में BSSS को टॉप पर पहुंचाने, जो कि मध्य प्रदेश में हम आज प्राइवेट ऑटोनोमस कॉलेजेस की श्रेणी में टॉप पर हैं, और साथ ही साथ हमारे स्टूडेंट्स को सोशली रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए पूरा पूरा श्रेय जाता है हमारे प्रिंसिपल डॉक्टर फादर जॉन पीजे. फादर की आउट ऑफ द बॉक्स सोच का परिणाम है हमारा देवाहारम है. हमारे कॉलेज के पास है एम्स हॉस्पिटल जहाँ हर दिन सैकड़ों मरीज अपना इलाज करवाने आते हैं. उनके साथ आते हैं उनके परिजन, उनके रिश्तेदार, और ऐसे में उनके खाने पीने की जो थोड़ी दिक्कत होती है या सुबह चाय नाश्ते की समस्या आती है तो हमारे कॉलेज की देव आहारम रसोई में हर दिन सुबह बनता है पोहा, जलेबी और चाय. सुबह 6 बजे हमारा देव आहारम वहां जाकर 300 से ज्यादा पैकेट्स उनको देकर बहुत विनम्रता से पकता है और सेवा करता है. ऐसे ही हमारा है काऊ, KOW, नॉलेज ऑन व्हील्स,
नॉलेज ऑन व्हील्स में हमने एक खास बस बनवाई है। इस बस में है 12 कंप्यूटर्स और ये कंप्यूटर से युक्त बस यानी नॉलेज ऑन व्हील्स सरकारी स्कूलों में जाती है, गाँव में जाती है और वहां के बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा देकर डिजिटल इंडिया से जोड़ने का काम कर रही है। और ये काम खास तौर से कर रहा है हमारा कंप्यूटर डिपार्टमेंट। जैसे मैंने आपको देवाहरम के बारे में बताया, अभी COVID-19 के संक्रमण के चलते लॉकडाउन के दौरान हमारा देवाहरम वॉरियर बन गया था। ऐसे में एम्स हॉस्पिटल के मजदूरों को, कई जरूरतमंदों को हर दिन यहाँ के पुष्पा गर्ल्स हॉस्टल में खाना बनता, सिस्टर्स लोग खुद बनवाती और फादर के नेतृत्व में ये खाना और साथ ही साथ राशन, ड्राई राशन की किट्स इन मजदूरों तक बांटी गई। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे यहाँ खास तौर से हमारे स्टूडेंट्स को सिखाई जाती है और इसके लिए खास तौर से हमारा सोशल वर्क डिपार्टमेंट बहुत आगे आता है और इन कामों में लगा रहता है। तो इस तरह हम अनेक कार्यों को करते हुए अपने बच्चों को जहाँ सोसाइटी के प्रति रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं, वहीं साथ ही साथ वैश्विक ट्रेंड को देखते हुए स्मार्ट और कुछ ऐसा बनाते हैं कि वो देश के साथ साथ विदेशों में कदम जमाकर दुनिया को नया रूप दे सके। और इसके अलावा एक गुड न्यूज आपको और दे दूं कि अब नए सेशन से आर्च डायसिस ऑफ भोपाल की एक और संस्था BSSS इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज E6 अरेरा कॉलोनी में शुरू होने वाली है, जो कि टॉप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट होगा सेंट्रल इंडिया का। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। निष्ठा, दैट्स रियली अ ग्रेट इनिशिएटिव मैम। मैम, यू हैव हेल्ड की पोजीशंस एट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स थ्रू आउट योर एजुकेशनल करियर, सो व्हाट आर द की फैक्टर्स दैट कीप यू कनेक्टेड टू एजुकेशन सेक्टर? निष्ठा, एजुकेशन सेक्टर से जुड़े रहने में सबसे बड़ी बात है हम बच्चों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ जुड़कर खुद भी अपडेट होते हैं और ये इत्तेफाकन मेरा पैशन भी है। स्टूडेंट्स को पढ़ाकर अपनी नॉलेज तो बढ़ती है, साथ ही साथ हम हर दिन स्टूडेंट्स से कुछ नया सीखते हैं। ऐसा लगता है कि इनको पढ़ाते पढ़ाते हम भी अपने ज्ञान की वृद्धि करके सोसाइटी में अपने आप को अपडेट करते हैं। तो ये एक ऐसा प्रोफेशन है जो संतुष्टि देता है और सेटिस्फेक्शन मिलता है। मैम, बीइंग द पब्लिक रिलेशन ऑफिसर एट भोपाल स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस, आपकी क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कॉलेज के लिए और स्टूडेंट्स के लिए? पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के नाते कॉलेज के लिए जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है मैं कॉलेज की ब्रांड इमेज को मेंटेन करूं। हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारा कॉलेज का स्टाफ है, सोसाइटी है, हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, इन सब में आपसी संबंध मजबूत रहे, आभूति रहे, किसी तरह की कोई डाउट ना रहे। और दूसरा, जो मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया, उन तक विचारों को साझा करना, ये भी मेरा काम है। सो मेरा काम कॉलेज की ब्रांड इमेज को रखते हुए आपसी संबंधों को मजबूती देना और कॉलेज की जो क्रिएटिविटी है, कॉलेज की जो रचनात्मकता है, नई चीजें हैं, उनको जनता तक पहुंचाना है। यस निष्ठा, मैम, हाउ डज द करिकुलम ऑफ बीएसएस कॉलेज एंश्योर टू बी द बेस्ट इन द इंडस्ट्री? बीएसएसएस जैसे कि बताया कि ऑटोनोमस कॉलेज है निष्ठा, और इस कॉलेज में हम बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी के दिए सिलेबस से कुछ आगे बढ़ाकर अपनी तरफ से हम क्वालिटी एजुकेशन देते हैं। दूसरा, हमारे स्टूडेंट्स जब एडमिशन लेते हैं कॉलेज में तो सबसे पहले उनको बड़ा अजीब सा लगता है कि ये तो स्कूल की तरह है। क्यों? यहाँ डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा है और कॉलेज में आने का टाइम, कॉलेज में यूनिफॉर्म है हमारी, फिर खुद को कैरी करने का तरीका। BSS बिलीव करता है स्मार्टनेस में और हर बच्चा, उसकी पर्सनालिटी यहाँ इम्प्रूव हो, बच्चे का बॉडी लैंग्वेज, बात करने का तौर तरीका, उसकी वैल्यूज, इन सबको हम बहुत ध्यान में रखते हुए, हालांकि कहते हैं ग्रूमिंग स्कूल्स में होती है,
लेकिन आप यकीन मानो BSSS सिर्फ पढ़ाई, किताबी पढ़ाई पर ही ध्यान नहीं देता, बल्कि एक स्टूडेंट को ऐसा तैयार करता है कि उसकी सही ग्रूमिंग हो, वो प्रेजेंटेबल हो और दुनिया में कॉन्फिडेंस से अपने आप को पेश कर सके। आप ये देखिए, दुनिया के तमाम देशों में हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स आज बड़ी बड़ी पोस्ट पर हैं और अपना नाम ऊंचा किए हुए हैं। ये हमारे लिए फख्र की बात है, लेकिन हाँ, इसके लिए हम पूरी तरह इनके साथ थोड़ा जिसे कहते हैं ना पेरेंट्स की तरह डील करते हैं इन्हें। और हमारे प्रिंसिपल जो हैं, जो फादर हैं, डॉक्टर फादर जॉन पीजे, वो एक वास्तव में फादर का रोल अदा करते हैं। हमारी वाइस प्रिंसिपल हैं सिस्टर सोनी कुरियन, तो वो भी एक जिसे कहा जाए कि बच्चों को सही दिशा दिखाने के लिए पूरी तरह तत्पर रहती हैं। तो यहाँ बच्चों के भविष्य को देखते हुए सही दिशा दर्शन, सही मार्गदर्शन दिया जाता है, क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है और विजन बड़ा रखते हुए ऊंचे सपने देखकर कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है, पूरा सहयोग दिया जाता है और इसलिए हमारे प्लेसमेंट्स भी बहुत अच्छे होते हैं। तो कुछ अलग हटकर चलना BSS की पहचान है। मैम, BSS कॉलेज में कैसे एक हेल्दी एनवायरनमेंट एंड हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन किया जा रहा है स्टूडेंट्स के साथ? निश्चय, यहाँ फैमिली कल्चर है। हम BSS परिवार के सदस्य हैं, हमारे 5000 स्टूडेंट्स, हमारा स्टाफ, हमारा सपोर्ट स्टाफ, हमारा सिक्योरिटी स्टाफ, सब लोग मिलकर हम एक परिवार हैं। और आपस में एक दूसरे की इज्जत करना, अनुशासन में रहना, सोशली एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी का एहसास करना, ये हमारी रिश्तों की मजबूती जहां बढ़ाता है, वहीं हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाकर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करता है। तो BSS का कल्चर ही अलग है। ओके मैम, एनी इंसाइट्स कि BSS कॉलेज कैसे वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी से जो स्टूडेंट्स आते हैं उनको हेल्प करता है? उनको हम लोग कई तरह की स्कॉलरशिप्स देते हैं, हमारे एलुमनाई बहुत हेल्प करते हैं। हमारी स्ट्रेंथ हमारे एलुमनाई हैं, जो वीकर सेक्शन के लिए कई बार स्कॉलरशिप्स देते हैं, कई बार कॉलेज भी उनकी फीस के लिए मददगार बनता है। और साथ ही साथ कॉलेज के स्टूडेंट्स के अलावा हमारी कई आउटरीच प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे मैंने आपको देव आहरम बताया, नॉलेज ऑन व्हील्स के माध्यम से हम वीकर सेक्शन को शिक्षा देकर उन्हें भी डिजिटल इंडिया से जोड़ रहे हैं। और जो हमारे सोशल आउटरीच प्रोग्राम्स होते हैं, ऐसे में हम कई बार सरकारी स्कूल गोद ले लेते हैं और वहाँ तक जाकर हमारे स्टूडेंट्स उन बच्चों को पढ़ाते हैं। उन्नत भारत अभियान, इसके अंतर्गत हमने सीहोर जिले के 5 गांव गोद लिए हुए हैं। वहां हमारे स्टूडेंट्स जाकर, खास तौर से सोशल वर्क डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स जाकर वहां काम करते हैं, सरकारी योजनाओं को उनको समझाते हैं। वहां पानी की बहुत प्रॉब्लम थी, अभी हमारे कॉलेज ने वहां 2 ट्यूबवेल लगवाए हैं, मतलब पानी बहुत बेसिक नीड है। और आज हम प्रगतिशील भारत की बात करते हैं, विकसित भारत का सपना देखते हैं, लेकिन कई गांव ऐसे हैं जहां पानी के लिए आज भी लोग परेशान हैं। तो अभी हमने 2 हैंडपंप लगाए सीहोर जिले के पास के गांव में, वहां सोलर लाइट्स लगवा रहे हैं। आसपास की झुग्गी बस्ती में अक्सर हम लोग कभी अभी इन दिनों मास्क बांटे, राशन बांटे, विद्या का दान हमारे बच्चे जाके अक्सर करते हैं, उन्हें पढ़ाते हैं। जो बच्चे स्कूल छोड़कर घर बैठ गए उन्हें प्रशिक्षित करते हैं, कई तरह की स्किल्स, कई तरह की ट्रेनिंग्स देते हैं। तो इस तरह BSS पढ़ाई के क्षेत्र से हटकर समाज के वीकर सेक्शन को मदद करने में बहुत मजबूती से आगे रहता है। मैम, एनी मैसेज जो आप देना चाहेंगी करंट यूथ और जो एस्पायरिंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए? निष्ठा, मैसेज तो एक ही है कि आज COVID-19 के कहर के बाद जिंदगी ने यूटर्न ले लिया है। इस बदले हुए माहौल में हमारे चैलेंजेस बढ़ गए हैं। ऐसे में आज हर युवा अच्छी सोच के साथ सोसाइटी में अपने कामों को अंजाम दे, ऑनेस्ट रहे, अच्छी सोच रखे, एक अच्छा वास्तविक इंसान बने,
और दुनिया में अपनी तरफ से अच्छे से अच्छा दे जिससे हमारी दुनिया समृद्ध हो सके। सिर्फ इंसानों को नहीं, पशु पक्षी जानवर प्राणी पृथ्वी पर्यावरण, हमें हर चीज को सुरक्षित रखना है, हर चीज को सहेजना है। ऐसे में हमारा हर युवा, कहते हैं ना भारत सबसे युवा देश है दुनिया में, और हमारे जो युवा हैं उनमें बहुत मजबूती है, बहुत ताकत है, आत्मविश्वास है। तो युवाओं से खास अपील कि वो एक अच्छी सोच के साथ अपने कामों को ईमानदारी से अंजाम दें, गलत आदतों में ना पड़ें, गलत आदतें जीवन की दिशा बदल देती है। अच्छी सोच रखें, संस्कारों के साथ जिए, माता पिता बड़ों का सम्मान करें और समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझते हुए अच्छे नागरिक बने, वास्तविक इंसान बने, यही खास संदेश है। थैंक यू सो मच मैम फॉर टेकिंग आउट योर वैल्यूएबल टाइम एंड शेयरिंग योर व्यूज विद अस। थैंक्स अटन निष्ठा एंड थैंक यू सो मच कॉलेज दुनिया। थैंक यू।